भाई अब मेरे पैसे दे, और इस बार 10 रुपए नहीं लूंगी, कम से कम 100 या 200 तो दे ही दे। मेरे 2000 का नोट। ओ ये रे मेरे 2000 रुपए। मैं भी कहूं मैं इतना शरीफ मनुष्य कब से हो गया जो उस बंदरिया को 2000 रुपए दूंगा। बाकी टाइम क्या हो गया अभी? अबे यार अभी तो 12 बजे हैं। चलो उठ ही जाता हूँ वरना फिर मम्मी बोलेगी कि दोपहर तक सोता रहता है। बाकी अभी 2:30 बजने में ना बहुत टाइम है। 2:30 बजे ना रचित रोजा व्लॉग चैनल पर व्लॉग देखूंगा, डेली के डेली आते हैं। गाइस आप लोग भी देखा करो रचित रोजा व्लॉग चैनल पर व्लॉग्स, डेली आते हैं 2:30 बजे। बाकी अभी जाके उस बंदरिया को देखता हूँ क्या कर रही है, मतलब मेरे सपने में भी आ गई। जरूर मेरे खिलाफ ना कोई साजिश रच रही होगी ये, चल के पता करता हूँ। इतने सारे पैसे, 4150, 4200, 4250, 4300। अबे ओए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए बे? बिजनेस बाबू भैया, बिजनेस। अबे ऐसा कौन सा बिजनेस हो गया मुझे भी बता दे। मैं क्यों बताऊं, अपना बिजनेस माइंड तेरे साथ क्यों शेयर करूं, तेरे में तो दिमाग है नहीं। अबे बता देना यार इतना क्या वो कर रही है, बता दे। चल बता बता बता। मैं नहीं बता रही, चल। अरे बता देना यार क्या हो जाएगा, बता दे कि तो तेरा क्या चला जाएगा। मतलब तू क्या चाहती है कि तू अकेली अकेली अमीर बन जाए और तेरा भाई ऐसे ही गरीब पड़ा रहे। अच्छा अच्छा चल ठीक है, इतना रो मत, बता दूंगी। लेकिन तेरे को तो पता ही है हर काम की एक कीमत होती है। क्या कीमत? वो ना मम्मी ने मेरे को टॉयलेट साफ करने के लिए बोला था, तो मेरे बदले टॉयलेट तू साफ कर दे और आके मेरे पैर भी दबा दियो। बस इतनी सी बात, इतने सारे पैसों की ये तुच्छी सी कीमत। अभी टॉयलेट साफ करके आता हूँ और फिर आके तेरे पैर भी दबाऊंगा। बहन मैंने पोट भी साफ कर दिया और देख तेरे पैर भी दबा रहा हूँ। चल अब बता तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। देख वैसे मेरा मन तो नहीं है तेरे को बताने का, लेकिन अब तू इतना गिड़गिड़ा रहा है तो चल बता देती हूँ। अबे ये तो राखी है राखी। अबे यही तो है बिजनेस आइडिया। यार मेरे को कुछ समझ नहीं आया, कैसे क्या मतलब क्या। अबे बेवकूफ तेरे को ऐसे नहीं समझ आएगा, चल मैं तुझे समझाती हूँ। भैया कितने पैसे हो गए? तुम्हारे भैया 400 रुपए हो गए। हाँ ठीक भैया राखी दे दो। राखी ले लीजिए, आपके सामने रखी है। ये वाली अच्छी लग रही है, ले लीजिए, 100 रुपए की है, लाओ 100 रुपए दो। 100 रुपए? अच्छा भैया हाथ आगे करो। ये भैया राखी बांधने के पैसे और ये राखी की मिठाई। बाय भैया, हैप्पी रक्षाबंधन। अरे अरे मैडम जी सुनिए। हे भगवान। और बच्चे हाथ आगे कर। अच्छा पैसे हैं तेरे पास? नहीं है, कोई नहीं इसको बेच दूंगी। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बताओगे जरा हांगकांग बाजार का रास्ता कहाँ से, कौन सी रोड जा रही है? पहले हाथ आगे करो। लाओ भैया पैसे निकालो। कैसे पैसे, कौन से पैसे? अरे भैया मैंने राखी बांध दी आप 100 रुपए, और बाजार का रास्ता ना यहाँ से सीधा जाके राइट ले लेना। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। चलो पैसे निकाल।
पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या है तेरे पास? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अपन तो फटीचर है फटीचर। कोई बात नहीं, राखी तो बन गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। तो ये सिलसिला स्कूल में भी चलता रहा और गली मोहल्ले में भी चलता रहा। मैंने पूरे एरिया में तहलका मचा दिया, तहलका। मेरे को जो कोई भी दिखता मैं उसी को जाके राखी बांध देती और उससे पैसे ले लेती, और अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो मैं उससे उसका सामान ले लेती और उस सामान को बाद में बेच के उसका कैश करा लेती। और ये करते करते देख, आज मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, इतने सारे पैसे कि तू मेरे पैर तक दबा रहा है। देखी पैसे की ताकत यार। तेरा सही है यार, मतलब रक्षाबंधन के दिन ना तुम लड़कियों का सही बिजनेस हो जाता है, लेकिन हम लड़कों का क्या? हमारे ऊपर सोच क्या बीतती है? हमें पैसे मिलना तो दूर की बात, पैसे लुटाने पड़ते हैं। गाइस अगर एग्री करते हो ना तो कमेंट करके बता दो, और इसी बात पे एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो यार। प्लीज दे दे यार, थोड़े से पैसे दे दे यार, प्लीज थोड़े से तो दे दे। क्यों दे दे? प्लीज दे दे यार, तू अकेले अकेले अमीर रहेगी क्या? और तेरा भाई ऐसे गरीब पड़ा रहे, दे दे यार। मैं नहीं दे दी यार, प्लीज दे दे यार। क्या करेगी तू इतने पैसों का? तो तू क्या करेगा इतने सारे पैसों का? मैं मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी, लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। उसको खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह। अबे चल बकवास बंद कर, मैं नहीं दे रही एक रुपया भी। मुझे ना पहले से ही पता था तेरी बुरी नजर मेरे पैसों पे है। नहीं देगी? नहीं दूंगी। चुपचाप दे दे। नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। देख मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, पैसे दे दे। नहीं दूंगी। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, पैसे दे दे। नहीं दूंगी। अब तो तू गई, जो चीज मेरी नहीं हो सकती ना वो तेरी भी नहीं हो सकती, तू देखती जा। हेलो इनकम टैक्स ऑफिस। भाई आज के छापे में तो तगड़ी कमाई हो गई। मम्मी मेरे पैसे वापस दे दो, बहुत मेहनत की कमाई है, बहुत साल लगे कमाने में। ए ज्यादा रो मत, ये 20 रुपए पकड़ और मौज मार। इतनी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़े थे साइकिल लाने के लिए और इस कुत्ते ने सारे छिनवा दिए मम्मी से। और रोतड़ी क्या हाल है? जब देखो रोती रहती है। और कोई काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? हाँ तो तेरे पास काम धंधा नहीं है क्या मेरे को परेशान करने के अलावा? मेरे को ना साइकिल लानी थी, मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, खुद तो तू स्कूटी लेके घूमता है, तुझे क्या पता पैदल घूमने में कितनी दिक्कत होती है। अबे ओ साइकिल ना इंसान चलाते हैं, तू खुद साइकिल है, तू क्या साइकिल चलाएगी? मैं साइकिल मतलब भाई याद कर याद कर याद कर याद कर याद कर। और भाई क्या खा रहा है? कुछ नहीं खा रहा, चल एक दे दे। नहीं दे रहा, चल एक दे दे ना। नहीं दे रहा ना, एक ही तो मांग रही हूँ। चल दे दूंगा, लेकिन तेरे को ना मेरे लिए साइकिल बनना पड़ेगा। साइकिल? वो कैसे बनते हैं? चल मेरी साइकिल चल। इधर मुड़ इधर मुड़। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरे भाई यार तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर टाइम मजाक करता रहता है, कभी तो सीरियस बात कर लिया कर। अबे ओ सीरियस होके बात ना इंसानों से करी जाती है, लेकिन तू तो साइकिल है साइकिल, समझी साइकिल। अरे भाई यार तू जा दिमाग मत खराब कर, खुद तो स्कूटी लेके घूमता रहता है और मुझे साइकिल तक नहीं लेने दे रहा। सब ना तुझसे ही प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। हाँ तो मेरे से तो प्यार करेंगे ही ना, क्योंकि मैं इंसान हूँ। अब तू तो बेतुकी बात कर रही है, अब एक बात तो खुद सोच, घोड़ा घोड़े को थोड़ी चलाएगा, ऐसी तो साइकिल है साइकिल साइकिल को थोड़ी चलाएगी, पागल। नहीं
मम्मी मम्मी आपका सर दर्द हो रहा होगा, मैं सर दबा दूं? नहीं, मेरे तो सर में दर्द नहीं है। अच्छा तो पैरों में दर्द होगा, पैर दबा दूं? पैरों में भी दर्द नहीं है। अच्छा मम्मी गला? क्या क्या बोले तो? वो गला सूख गया होगा ना, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ पीने के लिए। नहीं बेटा, पानी तो मैं भी पी के आई हूँ। और वैसे तो इतना मक्खन क्यों लगा रही है? साफ साफ बोल क्या चाहिए तुझे। वो मम्मी आपने जो भी पैसे लिए थे ना, वो पैसे वापस कर दो, मुझे ना साइकिल लानी है। मम्मी मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, मम्मी मैं जहाँ भी जाती हूँ ना मेरे को पैदल जाना पड़ता है। आपने भाई को तो स्कूटी दिला रखी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मम्मी कम से कम साइकिल तो दिला दो। क्या साइकिल लेगी तू? तेरे को पता है साइकिल लेने के बाद उसकी मेंटेनेंस भी उठानी पड़ती है। साइकिल लेने के बाद 100 खर्चे होते हैं, कभी चेन खराब हो जाती है, कभी घंटी खराब हो जाती है, कभी ब्रेक फेल हो जाते हैं, और तेरे को पता है हवा तो उसमें हर दूसरे दिन डलवानी पड़ती है। मम्मी आपने टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। कहां से मैनेज कर लेगी, पंचर भी ना 20 रुपए का लगता है, तेरी जेब में 5 रुपए भी होते हैं। मम्मी प्लीज दिला दो ना, प्लीज मम्मी प्लीज दिला दो। हाँ चल चल ठीक है, मैं सोचूंगी। मम्मी प्लीज दिला दो ना, मेरे सब दोस्तों के पास है, प्लीज मम्मी। बोल दिया ना सोचूंगी मैं, अब जा कर रही है। मैंने बोला सोचूंगी, सोच के बताऊंगी, और सोचूंगी जब जब तू घर का सारा काम करेगी। मम्मी घर का काम? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, जाके काम शुरू कर। बर्तन धो, झाड़ू पोछा कर, डस्टिंग करके घर को चमका दे, और एंड में ना कपड़े भी धो दिए। ठीक है मम्मी। हारे हारे शंभू 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 शंभू। अबे क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मेरे को पहली बार घर का काम करते हुए देखा है। मैं तो तेरे को फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ काम करते हुए। चल सच सच बता, कितने पैसे दे रही है मम्मी तेरे को काम करने के? कैसी बात कर रहे हैं भाई, वो ना मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं मम्मी की हेल्प करा रही हूँ। अबे ओ लालची औरत, तू खुद से एक गिलास गर्म पानी करके ना पिए और तू घर का काम करेगी। चल चल सच सच बता कितने पैसे मिल रहे हैं। वो भाई मम्मी ने बोला है कि अगर मैं मम्मी की हेल्प करूंगी ना घर का काम करने में, तो मम्मी वो मेरे को मेरे साइकिल वाले पैसे वापस कर देगी। पैसे वापस कर देगी? अच्छा ठीक है भाई, अब तू जा, मेरे को ना डिस्टर्ब मत कर, मुझे बर्तन धोने के बाद घर के और भी काम करने हैं, और उसके बाद मेरे को अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट भी जाना है साइकिल देखने। अच्छा तू बड़ी तेज हो रही है, एक काम कर अपनी फ्रेंड को फोन कर, और फोन करके बोल दे कि तू नहीं आ रही, वो अकेले चली जाएगी। क्यों, मैं तो जाऊंगी, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? कैसे जाएगी तू, नहीं जाएगी तू? मैं तो जाऊंगी, बता तू क्या करेगा? तू जाके दिखा। यार मेरा ना थोड़ा सा काम और रह गया, मैं काम कंप्लीट करते ही मम्मी से पैसे लेके आ जाऊंगी। हाँ यार तू थोड़ा सा वेट और कर ले मेरा। ठीक है बाय। ये काम कंप्लीट। इतनी खुश क्यों हो रही है तू, सारा काम कर दिया? हाँ भाई सारा काम कंप्लीट हो गया। सारा काम तो नहीं हुआ, सोफे के पीछे झाड़ू लगाई? नहीं। दरवाजों के कोने में? नहीं। टीवी साफ किया? नहीं। दीवार के जाले? नहीं। ट्यूबलाइट के ऊपर? नहीं। टेबल के नीचे? नहीं। बेड के नीचे? नहीं। पंखे के ऊपर? नहीं। एसी के ऊपर? नहीं। बेसमेंट? भाई बेसमेंट तो है ही नहीं अपने घर में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं भूल गया था, लेकिन तेरे को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा काम करके जा अच्छे से, और अगर मेरे को एक छोटा सा भी तिनका कहीं दिखाई दिया ना, फिर तू देखियो मैं बताता हूं तेरे को कैसे लेगी तू मम्मी से पैसे और लेके आएगी तू साइकिल। लग जा काम पे। सोफे के पीछे झाड़ू लगाई, दरवाजों के कोने में, टीवी साफ किया, दीवार के जाले, ट्यूबलाइट के ऊपर, टेबल के नीचे, बेड के नीचे, पंखे के ऊपर, फ्रिज के पीछे झाड़ू लगाई, एसी के ऊपर। हाँ यार मैंने 10 मिनट में नहा धो के निकल रही हूँ। चल ठीक है बाय। अब एक बार नहा लेती हूँ और साथ साथ ये 2-4 कपड़े भी धो लूंगी, फिर मम्मी से पैसे लेके साइकिल लेने जाऊंगी। तेरे को किसने बोला 2-4 कपड़े धोने के बाद तू साइकिल लेने जा सकती है? ये मेरे गंदे कपड़े हैं, ये धो दियो। और सुन,
ये मेरी फेवरेट शर्ट है, इसको अच्छे से धो दियो। अरे यार ये इतने कपड़े आ कहां से रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये भी धो दियो। ये शर्ट है ना, ये मेरी सबसे महंगी शर्ट है, इसको हाथ से धोयो, मशीन में नहीं। अगर मेरी शर्ट जरा सी भी खराब हुई फिर तू देख ना, तेरे को पैसे मिलेंगे मम्मी से और एक महीने के लिए काम अलग से करवाऊंगा सारा घर का। पकड़िए, आई बड़ी साइकिल लेके आएगी। यार इसने तो मेरा जीना दुखी कर दिया, इससे तो मैं बाद में निपटूंगी। और कौन धोएगा इसके कपड़े हाथ से, मशीन में ही धो दूंगी। मम्मी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे होते हुए तू कभी भी चैन की जिंदगी नहीं जी सकती। अब तू कपड़े हाथ से ही धोएगी, कैसे धोएगी मशीन में? बिजली तो मैंने काट दी। मैं तो चला अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, तू धो कपड़े धो। बड़ा हरामी हो बेटा। मम्मी मैंने ना घर का सारा काम कर दिया जो जो आपने बोला था। मैंने बर्तन भी धो दिए, झाड़ू पोछा भी कर दिया, डस्टिंग भी कर दी और मैंने सारे गंदे कपड़े भी धो दिए। चल चल ठीक है, अब अपना पढ़ाई कर ले जाके। अरे मम्मी ये क्या बात हुई, आपने बोला था ना घर का सारा काम कर दे फिर मैं साइकिल के पैसे दे दूंगी। मुझे नहीं पता मम्मी, मेरे को पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, 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 चाहिए। अच्छा चल ठीक है, रो मत, देती हूँ पैसे। अरे इसमें ही रखे थे 5,000 रुपए, इसमें तो नहीं है। अरे मम्मी आप वो 5,000 रुपए की बात कर रहे हो क्या? अरे वो तो मैंने ले लिए थे आपके पर्स से और मैं उसका वीडियो गेम ले आया। अरे नालायक, कम से कम बता तो दिया कर। अरे मम्मी वो मैं बताना भूल गया था, लेकिन आप परेशान मत हो, नेक्स्ट टाइम से कभी पैसे लूंगा ना आपके पर्स से तो मैं आपको बता दूंगा। और तू खड़े खड़े यहाँ क्या देख रही है, तेरे को बोल दिया ना जाके पढ़ाई कर। इतना सारा काम किया घर का, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। उसको देखो बिना बताए घर से पैसे निकाल लिए, फिर भी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। और मैं तो अपने ही पैसे वापस मांग रही हूँ, वो भी एक साइकिल लाने के लिए, मम्मी वो भी नहीं दे रही मेरे को। ये सारी मम्मियां ना अपने बेटों की ही सुनती है, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस दुनिया में। यार एक बात बता, तू साइकिल लेने क्यों नहीं आई? यार क्या बताऊं, है एक इंसान जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये कौन है? ये मेरा नशेड़ी बेवड़ा भाई। नहीं हैंडसम है। ये हैंडसम है, ये नाली का सुअर हैंडसम लग रहा है तेरे को? हाँ सिब्बू, मैं इस बार इंडिया घर वापस नहीं आ पाऊंगा रक्षाबंधन पे, मेरे को ना बहुत जरूरी प्रोजेक्ट आ गया है। बाकी ना मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, तेरे को फ्री होकर आराम से कॉल करूंगा। अरे यार क्या हो गया, एकदम से इतनी साइड क्यों हो गई तू? यार वो मेरा एक लौता भाई है और वो भी अपनी जॉब की वजह से US में रहता है, और अभी उसका फोन आया था, वो कह रहा है कि ना उसको कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया है तो वो इस रक्षाबंधन पे आ नहीं पाएगा। यार उसके अलावा तो मेरा और कोई भाई नहीं है, अब मैं किसको राखी बांधूंगी, मेरा ही रक्षाबंधन तो बहुत ही बेकार जाएगा। इस कुत्ते ने मेरे को इतना परेशान किया है, यही तो सही वक्त है इससे बदला लेने का। अरे यार बस इतनी सी बात, वो देख मेरा भाई तेरा भाई, तू उसको राखी बांधना। अबे ओ ऐसे कैसे,
ये कैसे मेरे को राखी बांध सकती है? मैं तो नहीं बनवा रहा। अच्छा नहीं बनवा रहा, बुलाओ मम्मी को अभी। मम्मी को बुला के ना तेरी सारी करतूत बता दूंगी। तू ना परेशान मत हो, ये बंधवाएगा राखी, ऐसे कैसे नहीं बनवाएगा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं नहीं बनवा रहा राखी, ये मेरे को राखी बांध नहीं सकती। अरे सिब्बू तू इसकी ना एक भी मत सुन, तू बिल्कुल परेशान मत हो, मेरा भाई तेरा भाई ये तेरे से राखी बंधवाएगा। यार ये क्या मतलब हुआ, ऐसे कैसे तेरा भाई इसका भाई हो सकता है? अच्छा तू एक बात बता, इसकी मम्मी क्या तेरी मम्मी हो सकती है? नहीं ना। तेरी मम्मी क्या इसकी मम्मी हो सकती है? नहीं ना। अब जैसे मम्मी पापा की बीवी है, लेकिन मेरी बीवी थोड़ी ना होगी, मेरी तो मम्मी लगी ना। अब इसका भाई होगा, तेरा भाई होएगा। और देख अब इसकी दोस्त तेरी दोस्त थोड़ी ना होगी, तेरी दोस्त इसकी दोस्त थोड़ी ना होगी, तुम दोनों आपस में दोस्त होगे ना, वो दोनों दोस्त अलग अलग होगी। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई भी रिलेशन किसी से थोड़ी ना जुड़ सकता है। अगर तेरे को कोई रिलेशन बनवाना है तो कोई अच्छा सा रिलेशन बनवा, जैसे कि मैं इसका बॉयफ्रेंड। तू ना तू सच में बहुत बेवकूफ है, बेवकूफ, तेरे में दिमाग की कमी है। भगवान जब अकल बांट रहे थे ना अकल, लगता है तू लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। थोड़ा दिमाग यूज किया कर ना, तेरा दिमाग पढ़ाई लिखाई में चलता और ना तेरा रिश्तों में चलता। कोई भी रिश्ता किसी से भी जोड़ रही है, ऐसे नहीं होता। भाई मम्मी पापा की बीवी, बीवी की मम्मी, अरे यार क्या ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मेरी प्यारी बेटी तो तैयार होके बैठी है, और इस बंदर को देखते हो ये क्या कर रहा है। ये गधा अभी तक सो रहा है, ऐसे नहीं उठेगा, इसको तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। बदरिया कहीं की तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तू नहीं बचेगी। क्या बोल रहा है, किसको कह रहा है बंदरिया, कौन नहीं बचेगी? चुपचाप ना खड़ा हो ले, ना धोगे कपड़े पहन के बाहर आ जा, रक्षाबंधन है आज। यार ये कोई तरीका हुआ भले मानुस को उठाने का? मतलब इस घर में किसी को तमीज ही नहीं है मेरे को छोड़ के। कृष्णा जी आप ही बताओ ये कोई तरीका हुआ? चल जल्दी राखी बांध दे, और भी काम है फिर मेरे को। अपनी बहन के पैर छू ले। अच्छा ठीक है। मम्मी देख ना चुटकी भर ली। तेरे को तो मैं भी बताती हूँ। ढंग से पैर छू अपने बहन के। अच्छा मुंह तो मीठा करा दे। मेरे को खिलाना था, खुद खा गया। क्यों तेरे हाथ टूट रहे हैं, भगवान ने हाथ नहीं दिए, खुद लेके खा ले। अरे नालायको रक्षाबंधन वाले दिन तो मत लड़ो, खाना बना है खाना खा लो आके। ठीक है। अच्छा सुन रक्षाबंधन के नाम का कुछ तो दे, गिफ्ट तो तू वैसे भी नहीं लाया होगा। गिफ्ट? हाँ लाया हूँ ना, एक मिनट रुक अभी लाया। टैन टैन, ले बहन तेरा प्यारा सा गिफ्ट। वाओ गिफ्ट भाई, थैंक यू यार। वैसे क्या है इसमें? अरे मेरे को क्या पता, खुद खोल के देख लेना। भाई ये तो एप्पल का लैपटॉप है। अबे ओ एप्पल का लैपटॉप नहीं होता, उसे मैकबुक बोलते हैं, मैकबुक। भाई ये तो मेरे को चाहिए भी था, इसकी जरूरत भी थी, अभी खोल के देखती हूँ इसको।
तू ना बहुत बेकार है, तूने लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, तूने लास्ट टाइम भी 10 रुपए दिए थे। तू एक काम कर, अपनी लॉलीपॉप ना तू खुद ही खा। तू भाई बहुत बुरा है, तू हर बार ऐसे करता है मेरे साथ, कभी कुछ नहीं देता धक्का। अच्छा जा, तू मेरे को बात नहीं करनी तेरे से। तेरे को गिफ्ट चाहिए ना, चल तेरे को गिफ्ट देता हूँ, चल मेरे साथ आ, चल। तेरे को गिफ्ट चाहिए ना, ले पकड़ तेरा गिफ्ट भाई, साइकिल। वीर मेरे तेरा प्यार रहे, तेरी लाडली बन मैं जीती रवा, एक डोर से बांधी है खुशियां, तेरी खुशियां दी विच खिलती रवा, तेरी खुशियां बन मैं जीवा, मेरी खुशियां बन तू जीवे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाँ ठीक है भाई, तू दुनिया का सबसे प्यारा भाई है। थैंक यू भाई, तू बहुत अच्छा है भाई। हाँ ठीक है बहुत अच्छी साइकिल है भाई। साइकिल तो ठीक है, लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कैसे? पैसे कुछ पैसे मेरे पास थे मेरी सेविंग्स के, वो यूज कर लिए, और कुछ पैसे मैंने मम्मी से ले लिए, मम्मी ने हेल्प कर दी तो ले आए तेरी साइकिल। यार मेरे को तो लगा था मेरे को घर में कोई प्यार नहीं करता, भाई को ही सब प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यार। मेरा भाई ना बहुत अच्छा है, मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई है, और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है। मेरे को लगा था मेरी साइकिल नहीं आएगी, लेकिन इन लोगों ने ना मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रखा था, फाइनली मेरी भी साइकिल आ गई। और तेरे को पता है ये 5,000 वाली साइकिल नहीं है, ये पूरे 10,000 वाली साइकिल है। क्या 10,000 की? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अरे ठीक है इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, अब मेरी बात सुन ले कान खोल के। मैंने तेरे को रक्षाबंधन पे साइकिल गिफ्ट कर दी, अब मेरा बर्थडे आने वाला थोड़े दिन बाद, तो मेरे को वीडियो गेम गिफ्ट करियो मेरे जन्मदिन पे। लेकिन भाई वीडियो गेम तो तू ले आया था ना। अबे तेरे को किसने बोल दिया वीडियो गेम लेके आया हूँ मैं? अच्छा तेरे को लग रहा है वो जो मैंने मम्मी के पैसे लिए थे उससे मैं वीडियो गेम ले आया? अबे ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसे भी ना ये साइकिल लाने में यूज हो गए। भाई तू ना टेंशन मत ले, मैं तेरा वीडियो गेम ले आऊंगी तेरे बर्थडे पे। चल ठीक है देखते हैं, चलो साइकिल चलाने चलते हैं। चल बैठ, तू पीछे बैठ, तू बैठ पहले। साइकिल चलानी तो आती है ना, गिरा तो नहीं देगी? अरे हाँ भाई टेंशन मत ले तू, चल चल चल। याद है हमें हमारा वो बचपन, वो लड़ना वो झगड़ना और फिर मना लेना, बस यही तो होता है भाई बहन का प्यार, और इसी प्यार को बढ़ाने लो फिर आ गया रक्षाबंधन का त्योहार। दिल से दिल का रिश्ता है ये भाई और बहन का, जैसे है फूलों में खुशबू, होंगे ना जुदा हम कभी एक दूजे से, चाहे तुझसे कितना भी लड़ूं। ओ मेरी प्यारी बहना, सदा हंसते ही रहना, ओ मेरी प्यारी। So hey guys, I hope आपको हमारी ये रक्षाबंधन की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो देखो स्वाति को वीडियो के अंदर चाहिए थी साइकिल, तो इसको जैसे तैसे करके इसकी साइकिल मिल गई, बट रियल वाला रक्षाबंधन 11 तारीख को है। ये मेरी दोनों बहनें हैं, बताओ क्या चाहिए रक्षाबंधन पे, बता पहले तू बता। एक तो नया आईफोन चाहिए और एक नई स्कूटी चाहिए। ये रक्षाबंधन है, दो दो चीज मतलब एक ही चीज बता, ऐसे नहीं होता। तू वो पिछले रक्षाबंधन का पेंडिंग है ना, ऐसे नहीं होता भाई, एक चीज बता। स्कूटी। चलो इसने स्कूटी मांगी है, अभी देखते हैं स्कूटी इसको मिलेगी या नहीं। और तू क्या लेगी? मेरे फोन में ना 128 GB की स्पेस है, तो मेरे को वो ज्यादा करनी है, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाती, इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आते। यार ये क्या मतलब, तू तो इनडायरेक्टली नया फोन मांग रही है एप्पल का, बात तो वही पड़गी, इसने भी फोन मांगा इसकी जगह तू ले रही है फोन। भाई देखते हैं क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, इसको स्कूटी मिलेगी, इसको फोन मिलेगा, वो तो रक्षाबंधन के दिन ही पता लगेगा। बाकी आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि इन दोनों को क्या मिलेगा, वो कैसे पता लगेगा? मेरे व्लॉग्स देख के। तो मेरे रचित रोजा व्लॉग चैनल पर डेली 2:30 बजे कैडबरी सेलिब्रेशन का डब्बा गिफ्ट नहीं माना जाएगा, वो बस मिठाई है मुंह मीठा करने के लिए। तो मैं देख लूंगा, मैं अपने तरीके से बता तो
रहा हूँ, रक्षाबंधन के दिन पता लगेगा। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, वो हमले आएंगे ना फिर। तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलेगा सब कुछ। मैं डिसाइड करूंगा कि क्या गिफ्ट आएगा, ठीक है? तो मुंह मीठा करने का है ना बस। मैं अपने आप देख लूंगा, रक्षाबंधन के दिन पता लगेगा। गाइस मेरे ब्लॉग चैनल पर जाकर ब्लॉग देख लेना, रचित रोजा ब्लॉग। हाई बजे डेली ब्लॉग आते हैं वहाँ पे, तो डेली मेरे ब्लॉग देखा करो और पता लग जाएगा इन्हें क्या गिफ्ट मिल रहा है एक्चुअल में रक्षाबंधन पे। और बाकी गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, और हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी 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 रक्षाबंधन। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। बाय गाइस, लव यू, बाय।